तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो हम कहे चलो हमारी फैमिली है तो उनको जरूर बताएंगे। तो गाइस जो ये हमारा प्यारा सा भगवान जी का मंदिर है, ये हमको नमकीन भी दे दो आप लोग, जय जयकार लगा दीजिए, माता रानी की जय, माता रानी की जय। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह किचन में, आज तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, ठंड लगता है तो भाई पंखे भी बंद करके सोते हैं। और पापा आए हुए हैं, पापा आराम से लेटे हुए हैं, अपना भजन वगैरह सुन रहे हैं। और पापा की सुबह सुबह उठ के चाय बना रहे, पापा कल ही रात आए थे, मुझे इन्होंने बताया पापा आए हुए हैं। और मम्मी नहीं आई है, पापा बस आए हैं। और बाबू हमारे देखिए इधर सो के उठी है, नमकीन भी निकाल दिया थोड़ा सा, ठीक है बेटा। क्या क्या बाबू भी हमारी सो के उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटू। इसको ना जुकाम हो गया है तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा, सुरंगी मार हवा चल रहा है। पापा के लिए चाय दे दे, नमकीन दे दो, नमकीन भी दे दो, ले रहे बेटा ले रहे ले रहे हैं। तो गाइस हम लोग कल यहीं पे अपना चाय सोए थे, पापा बेड पे सोए थे, कमल बोल रहे थे कि पापा के पैर में थोड़ा सा मोच है तो हमको पापा पे ही सो जाओ। तो गाइस पापा अभी गए हैं बन्ना दी के घर, क्योंकि जब कल से आए थे तो यहीं पे थे, तो कुछ सामान लाए थे, मिठाई वगैरह, फल फ्रूट, तो क्योंकि ख़राब हो जाता तो पापा बोले कि हम जा रहे हैं अभी आएंगे। हम कहे हाय कर दो बेटा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो मेरी बेटिया, या मेरे बेटू, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड सन, गुड डॉटर। तो चाय वे पी के गए हैं पापा, तो मैंने बोला कोमल से कि खाना पीना बना दो, अभी पापा कई घंटे हो सकता आए, क्योंकि मैंने बोला पापा आए आ जाइएगा भी खाना खाने, तो बोले ठीक है देखो, क्योंकि वहाँ भी जा रहे हैं बंदा देखकर और 10:30 बज रहे हैं तो खाना पीने में भी टाइम ही है। क्या मैडम, मैडम माया देख रहे हैं पापा का पैरों की चलने दिक्कत तो नहीं हो रहा है, वही देख रहे हैं, पूछे पापा गर्म पट्टी सही है, देख रहे हैं चल रहा है सही, हमको सही हो गए, गर्म पट्टी बांधे हुए, आराम है, बोले हाँ आराम है, दर्द है, दर्द नहीं हो रहा है। आजकल ना नींद नहीं पूरा हो पाती है, पूजा करने के लिए ना टाइम से उठना पड़ता है। अब बताओ 10:30 बज गए हैं, अब चलते हैं नहा के, माला फूल लेके आते हैं, फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। A few moments later. तो गाइस नहा के आ गए हैं और कोमल ने पूजा कर लिया है, तो हम भी भगवान जी की थोड़ा सा आराधना कर लेते हैं, माता रानी का पूजा कर लेते हैं, क्योंकि जब ये पूजा कर रही थी तो बाबू परेशान कर रही थी, तो मैं बाबू को देख रहा था, नहीं तो सास नहीं पूजा करते तो कोई नहीं, कभी कभी होता है कि उन्होंने पूजा कर लिया है, देह प्रज्वलित कर दिया है, सब कुछ चढ़ा दिया है भगवान जी को, तो हम थोड़ा सा अपना भक्ति में ध्यान लगा लेते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और तो चलिए दोस्तों पूजा करके मिलते हैं आप लोगों से, और आप लोग जय जयकार लगा दीजिए, माता रानी की जय, माता रानी की जय। तो फाइनली गाइस पूजा हमने भी कर लिया है, मतलब मैंने भी कर लिया है, और अब किचन में हो रही है खाना बनाने की तैयारी, तो मैं खाना बना रही हूँ। लाइट कम है ना जी, लाइट कम है तो आप थोड़ा दिवाली सोचा, दिवाली आ रहा है ना, थोड़ा सा घर में पेंट वगैरह करवा दें, और जो हमारे दीवार पे स्टिकर वगैरह चिपका हुआ है ना, तो उसको सारा निकलवा के
अच्छे से एक बार इसको पेंट कर देते हैं, थोड़ा रूम में लाइट वगैरह लगवा देते हैं, पुट्टी उट्टी वगैरह लगवा देंगे जहाँ गड्ढे खुड्ढे हो गए हैं इसीलिए। तो गाइस आज खाने में मैंने मकान मालिक भी सोच रहे होंगे कि मतलब कितना अच्छा हमको मिला है किराएदार। अरे यार ठीक है यार, जहाँ हम रह रहे हैं अगर वहाँ हम साफ सफाई और अच्छे से नहीं करेंगे तो डेकोरेट नहीं करेंगे तो हमको भी खुद नहीं अच्छा लगेगा, तो हम मकान मालिक क्या कहने जाएं। तो आज खाने में बन रहा है दाल चावल गोभी की भुजिया रोटी, तो अभी बन जाएगा तो पापा को भी फोन एक बार कर देंगे, पापा खाना खाए कि नहीं खाए, आ जाइए खा लीजिए। तो गाइस कल मैंने एक रील्स बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने गाना भी गाया था ना, और ये बोल और ये बोल रही थी तुम तो जैसे लग रहा है सिंगर गा रहे हो, क्योंकि मेरा बचपन में बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं गाना गाऊँ। एक गाना एक बार बताता हूँ, हे दुर्गा मैया हम हमके जिंदगी नीक बनई है, हाथ पसारी तो हराया गे और न कतहु झुकई है, यही सब है दोस्तों। और बहुत लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने मंदिर कितने का लिया, तो गाइस आज हम आप लोग को बता देंगे कि हमने मंदिर कितने का लिया था। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया यूट्यूब पे इंस्टा पे, तो हमको चलो हमारी फैमिली है तो उनको जरूर बताएंगे। तो गाइस जो ये हमारा प्यारा सा भगवान जी का मंदिर है ये हमको 10,500 में दुकान से पड़ा था, और हमने और भी दुकान देखे थे तो वहाँ कहीं 15,000-16,000, तो इसलिए हम के पहले दुकान जांच रेट जांचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या किया हमने रेट जांचा, तो फिर एक ही जगह जब जहां हम लोग पहले दुकान में गए थे वहीं रेट समझ में आया अच्छा, तो 10,500 का मंदिर था, एक रुपये कम नहीं किया उन्होंने, फिर 500 रुपये कन्वेंस था मतलब यहां से लाने का चढ़ाने का, तो मतलब टोटल 11,000 रुपये हमारा मंदिर लेने में खर्चा हुआ है। तो 11,000 का आंकड़ा बहुत ही शुभ होता है, तो ये मंदिर पूरा हमारे घर आने में 11,000 रुपये लगे हैं। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर मिल रहे थे वहाँ पे छोटा बड़ा, तो मुझे ये वाला मंदिर है कोमल को बहुत ही पसंद आ रहा था, मुझे जो था वो गोल्ड में पसंद आ रहा था, नहीं बोली अब ये वाला लो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी थोड़ी ऊँचाई ज़्यादा है और जो सामान वहाँ रखने का नीचे है इसमें है क्या आपकी इसमें बैठ भी पूजा कर सकते, ये इनको ज़्यादा अच्छा लगा। चलो ठीक है भाई आपकी जो वाला ड्रॉ है ना वो उसका स्पेस ज्यादा है, हाँ इसमें स्पेस भी ज्यादा था तो उनको यही अच्छा लगा। तो ये रहा हमारे मंदिर का प्राइस, बहुत लोगों ने पूछा कितने का है, तो एक बार और बताए तो हमारा मंदिर टोटल 11,000 रुपए का है। खाना बन गया? हाँ बन गया, साफ सफाई बर्तन बर्तन। तो गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस यहाँ पे देख के चावल तैयार हो गया है, दाल तैयार हो गया है, सब्जी देखिए बता रही आलू गोभी की भुजिया, क्योंकि मैंने इनसे बोला था ना ये अभी इनके भुजिया जी आए इतना टेस्टी मैंने भुजिया बनाया था ना, मैं क्या बताऊँ यार। और कल पापा आए थे तो इन्होंने मशरूम की सब्जी बनाई थी वो भी इतना टेस्टी, हम क्या तुम्हारे हाथों में क्या हो गया, फिर से पहले वाला जादू आ गया क्या, डिश में इनका हाथ गड़बड़ हो गया था। हाथ है कभी हो जाता है नहीं, जो मैंने कल रात में आया करीब वही 3 बजे के आसपास, हाँ तो मशरूम की सब्जी देखा मैंने, हमको यार कितना अरे देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने खाया हमको यार तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हमको तो अच्छा लग रहा था देखने में भी खाने में भी। अभी पापा का फ़ोन आया था ना पूछे खाना खा लिए, बोले हाँ खा लिए, फिर पूछे ड्यूटी कब जाओगे, हमके बस जाएंगे 1 घंटे बाद, बोले अच्छा ठीक है, बुला नहीं लिए पापा को, बोले हैं बोले अभी आएंगे, आ जाए तो चाय बनाते हैं हम आप भी पी लो जाते जाते। अरे नहीं यार अब खाना खाएंगे पापा चाय पीते हैं यार, अब कल आया पापा जब ना हम तुरंत चाय बना के दिए पापा पिए, मतलब हम मेरी तरह हैं वो भी, हम भी चाय हमको जब मिले हम तब पीते हैं, बड़ी अच्छी बात है गाइस। तो चलो गाइस इधर खाना पीना बन गया है, बस धनिया डालना है, धनिया पत्ती ये धो के डालने आ रही है। तो गाइस यहां पे देखिए खाने में निकाल ली दाल चावल, रोटी मत देना ठीक है, क्यों क्या हुआ, रोटी खाने मन नहीं रहा है। अच्छा। यार सब्जी कल एक लोग का कमेंट आया था ना कोमल तुम सच में बहुत टेस्टी फूड बनाती हो, मुंह में पानी आ जाता है, कभी आएंगे तुम्हारे घर खाने। ओके जी चलो गाइस खाते हैं खाना, चावल रोटी ना देना, नहीं रोटी नहीं चाहिए। तो गाइस खाना हमने खा लिया है, मजा आ गया और बहुत टेस्टी खाना था, मजा आ गया, तीखा भी लग रहा है। तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में,
आप लोग को जो जानना था कि हमने मंदिर किनने के लिए सब कुछ हमने बता दिया है। तो कैसा लगा, रेट कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा, महंगा है सस्ता है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बैक टू फैमिली, जय माता दी।